हेलो फ्रेंड्स, वी विश यू अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत सारे भाई जो कि कुछ हैं राजस्थान से और कुछ हैं नेपाल से। मैं बाद में इनका इंट्रो आपसे कराऊंगा। फिलहाल आज का ये एपिसोड स्पेशली आपके लिए है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि आज हमारा 15 डेज मास्टर क्लास का डे 2 है और आज काफ़ी कुछ हमने किया, इसके बारे में ये आपको बताएंगे। मैं क्या बताऊं, एंड जो भी किया उसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो उस हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम एक ऑफ कैमरा फ्लैश और एक डिफ्यूज़र के साथ बहुत अच्छा पोर्ट्रेट शूट कर सकते हैं। तो आइए, आप लोग रेडी हैं? यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम शूट कर रहे हैं यहाँ पे ऑफ कैमरा फ्लैश, लेकिन फिल के साथ। मेरे को फ्लैश का सिर्फ फिल चाहिए, फ्लैश का पावर नहीं चाहिए जब। तो सबसे पहले हम एक्सपोजर लेंगे किसका? एम्बियंस का, ठीक है? एम्बियंस का एक्सपोजर लेंगे। अब हमको हमारी प्रायोरिटी क्या है इसको ध्यान देना। पहले तो अच्छा फ्रेमिंग के लिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड यूज़ करें। सेकेंड क्या होगा? परफेक्ट फोकस। तो परफेक्ट फोकस के लिए अपन क्या करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा स्टिल है, दौड़ भाग नहीं रहा है, तो सिंगल शॉट या AFS आपके लिए। तीसरी चीज़, हमारा बैकड्रॉप जो है वो ज़्यादा ब्राइट है और हमारा सब्जेक्ट अभी एक टाइम यहाँ पर डार्क है, तो हम किसका एक्सपोजर लेंगे? बैकग्राउंड का, ठीक है? कैसे लेंगे मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ से आया, अब तो इसको मैं कर रहा हूँ मैनुअल मोड, ठीक है? यहाँ से मैंने क्या किया, मैनुअल मोड किया। अब यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको 2.0, ठीक है? यहाँ से इसकी सेटर स्पीड कर लेता हूँ मैं 125 ISO। यहाँ से अब देख के करूँगा मुझे जितना ज़रूरत होगा, ठीक है? फ्रेमिंग में कैसी सेट कर रहा हूँ देख दिखाता हूँ। ये मेरी फ्रेमिंग सेट होती है, ठीक है? ये प्रॉपर रूल ऑफ फट जा रहा है, ठीक है ना? अब यहाँ से देखो मेरे पास क्या इशू हो रहा है, लाइट क्या हो रही है, ओवर हो रही है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ISO को पहले कम कर रहा हूँ। तो लाइट ISO भी जब मैंने कम किया और यहाँ से सटर मैंने 160 किया, 200 के आसपास किया, तो लाइट सही आ रही है, ठीक है? अब इसमें मेरे को इनके चेहरे की लाइट को प्रॉपर करना है। इसमें चेहरे की लाइट उतना मज़ेदार नहीं है, ठीक है? तो लाइट देना, जैसे यहाँ से अगर मैं देता हूँ तो क्या होगा, लाइट पास आ रही है, लाइट तो सही आ रही है, लेकिन क्या आ रही है, लाइट पास आ रही है। अब हमको इसमें क्या चीज़ ऐड करना है, लाइट को ये रिफ्लेक्टर ना सामने बस यहाँ ऐड करना है, ठीक है? अब इसको पास नहीं करना है, रिफ्लेक्टर इससे भी थोड़ा दूर होगा। दूरी क्यों होगा, लाइट जब अगर मैं पास से मारूंगा तो लाइट का भी कॉन्सेंट्रेटेड आ जाएगा। Baby, you give me ice and fire.
Yeah.